Hello guys, I'm Nishanth Kumar here to discuss about the speed and velocity numerical. हमने इससे पहले इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के मैंने प्लेलिस्ट सभी बना रखे हैं. आप मेरे जीनियस स्टडी और ऑनलाइन रेलवे स्टडी चैनल पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं. मेरे पुराने वाले वीडियो आपको ऑनलाइन रेलवे स्टडी पे मिलेंगे और आपको नए वाले जीनियस स्टडी पे मिलेंगे. तो अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें. चलिए जी, आज अभी मैं स्पीड एंड वेलोसिटी जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको इस चैप्टर खत्म कर चुका है, थ्योरी कंप्लीट कर दिया है. लेकिन अगर बात की जाए इसकी न्यूमेरिकल का तो न्यूमेरिकल अभी डिस्कस करना बाकी है और उसी को न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा. और जो टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है वो टेस्ट सीरीज हमारा इससे पहले मैंने स्पीड और इंजीनियरिंग ड्राइंग के मैंने आपको टेस्ट दे चुके हैं और ये हमारा अगला टेस्ट है, स्पीड एंड वेलोसिटी पे टेस्ट है जी. ठीक है, तो इसको आप लोग कंप्लीट करिए. चलिए जी डिस्कस करते हैं. बोल रहा है पहला क्वेश्चन, बोल रहा है ये दिए गए चित्र में अगर कोई चींटी ए से बी तक सफर तय करती है तो चींटी के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करें. देखिए जी, दूरी और विस्थापन ज्ञात करना था, हमने बताया था कि दूरी और विस्थापन क्या होती है, दोनों अलग अलग चीज होती है. विस्थापन क्या होता है जी, वेक्टर क्वांटिटी होती है और दूरी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है. तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला ये फिगर दिया गया है जो आपको चित्र में दिया गया है उसको लेना है जी. और ए पॉइंट यहाँ पे, बी पॉइंट यहाँ पे. देखिए यहाँ से 3 मीटर, यहाँ से 4 मीटर, यहाँ से 3 मीटर, यहाँ से 4 मीटर आया. तो बोल रहा है कि ए से बी के बीच क्या जी, हमको क्या बताना है, दूरी बताना है और विस्थापन बताना है. तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 3 और 4 क्या 90 डिग्री का बना रहा है. तो अगर पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, निकालेंगे पाइथागोरस तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. अब बात की जाएगी दूरी का, तो दूरी क्या है जी, तो दूरी क्या होता है, हम बोले हैं कि जो पाथ पे चल रहा है, जैसे ऐसे 3 चला 4 चला 3 चला 4 चला तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे. 3 + 4 + 3 + 4 क्या हो जाएगा, तो 14 मीटर हो जाएगा दूरी. बात की जाए विस्थापन का, तो विस्थापन के लिए क्या पढ़ा है जी, कि जो शॉर्टेस्ट यानी जो क्या न्यूनतम दूरी है, तो यहाँ से यहाँ न्यूनतम दूरी क्या है जी, यही रास्ता वाला है, डॉट डॉट वाला लाइन है, तो ये न्यूनतम दूरी है क्या है जी, ये 5 + 5 क्या हो जाएगा, 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10 मीटर क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा जी. क्या हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा, 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा. तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो न्यूनतम दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं जी. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 + 4 = 7, 7 + 3 = 10, 4 = 14 है, 14 और 10 तो 14 और 10 यानी डी ऑप्शन हो गया. तो देखिए अगर मैं सबसे बोल रहा हूँ कि अगर आपने मेरा स्पीड एंड वेलोसिटी लेक्चर नहीं देखा है जो मेरे पुराने वाले चैनल पे हैं, ठीक है ना, आप ऑनलाइन रेलवे स्टडी चैनल आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ से जा सकते हैं, ठीक है ना, उस पर आप जाइएगा. तो मैंने इलेक्ट्रिकल का जो लेक्चर बना रहा, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का जो प्ले लिस्ट बना रखा है उसमें मैंने स्पीड एंड वेलोसिटी करा दिया है. आप वहाँ से पहले स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ें, उसके बाद ही आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा जी. मैं सबसे कह रहा हूँ ये टेस्ट है, आप उससे पहले आप जाकर वहाँ पर पढ़े जी, ठीक है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा. दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में अगर कोई पिंड 2.5 चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन ज्ञात करिए. अगर 2.5 चक्कर लगाता है, देखिए जी, अगर बात की जाए 2.5 चक्कर लगाता है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2.5 चक्कर में क्या हो जाएगा, 1 चक्कर यहाँ हो गया, फिर से 2 चक्कर, फिर से क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे, 2.5 चक्कर यहाँ पे आ जाएगा या बी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा. तो अगर बात की जाए 2.5 चक्कर के बाद तो क्या हो जाएगा, 2.5 चक्कर के बाद क्या हो जाएगा जी, तो बी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा. तो बात की जाए दूरी, तो दूरी कितना चला, तो 5/2 2πr डिस्टेंस चला, ठीक है जी. 1 चक्कर के लिए 2πr, तो 2.5 चक्कर के लिए इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा. अगर विस्थापन की बात की जाएगा तो विस्थापन यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ पे आया है, चाहे यहाँ से यहाँ आया तो हाफ ही हुआ ना जी. तो क्या हो जाएगा, 2πr का क्या हो जाएगा, हाफ करेंगे. तो चलो जी इसे निकाल लेते हैं. इसने आर की वैल्यू क्या दी है, तो 7 दिया है, तो 7 रख लेते हैं. इसमें से 2 से 2 गया, पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 7, तो क्या हो जाएगा, 22 मीटर क्या हो जाएगा जी. तो 22 मीटर हमारा क्या आ जाएगा जी, विस्थापन आएगा. क्या आ जाएगा, विस्थापन, सॉरी 1 मिनट, देखो ये विस्थापन ऐसे थोड़ा नहीं. चलो जी, विस्थापन यहाँ से यहाँ आया है तो इसका मतलब क्या, शॉर्टेस्ट दूरी क्या होता है जी, विस्थापन होता है. तो यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, क्या हो जाएगा, तो 7 + 7 क्या हो जाएगा जी, 14. विस्थापन के लिए क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा. देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से देखो जी, यहाँ से अगर यहाँ आया है, देखो पहला चक्कर घुमा, 2 चक्कर घुमा, 2.5 चक्कर में यहाँ पे आ गया, तो 2.5 चक्कर में यहाँ पे आया, तो यहाँ से यहाँ आया है, तो ये 7 और ये 7 क्या हो जाएगा, न्यूनतम दूरी हो, क्या हो जाएगा, विस्थापन बताएगा. तो 7 + 7 क्या हो जाएगा, 14 विस्थापन हो जाएगा. अगर बात की जाए दूरी कितनी गया है, तो दूरी तो 2.5 चक्कर गया है, तो 2πr का 2.5 चक्कर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5×22 बट्टा 7 बट्टा r, तो 5×10 5×10 क्या हो जाएगा, 1×11 110, तो 110 मीटर और 14 मीटर आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह समझ सकते हैं कितना आसान है क्वेश्चन। मैं वही बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन वाइज रटते रह जाइएगा क्या है क्या लॉजिक नहीं है, तो ऐसे कुछ नहीं चलेगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु यदि कोई कार 72 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है और 5 सेकंड के बाद उस पर ब्रेक लगाया जाता है तो उस कार को आरोपित मंदन ज्ञात कर। देखिए जी, यदि कोई कार 72 की रफ्तार से चल रही है और 5 सेकंड के बाद उस पर ब्रेक लगा दिया जाता है तो उस कार पर आरोपित मंदन बताना है जी। देखिए जी, एक्सेलरेशन यानी मंदन का मतलब क्या है जी, रिटार्डेशन होगा, ये क्या होगा, निगेटिव में आएगा, तो v - u/t। देखिए जी, बोल रहा है कि 5 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा जी, क्या हो जाएगा जी, वो रुक जाएगा। तो अब देखिए भी क्या है, अभी 72 है, फाइनली क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। ठीक है, टाइम देखिए हमने इसमें, देखिए याद रखिएगा हमको किस में निकालना है जी, हमको एसआई यूनिट में ही आंसर बताना होगा, तो हम 72 नहीं रख सकते, 72 क्या है जी, किलोमीटर पर आवर है, हमको क्या करना, मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा ना, तो 5 बट्टा क्या करेंगे जी, 18 से गुना करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये अगर आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि किलोमीटर को अगर मीटर में लाना है तो 5/18 से गुना करते हैं 4, तो क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा जी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है जी, 20 है, सॉरी अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 मीटर से बोल रहा है कि 20 मीटर से क्या रहा है, जा रहा है, 5 सेकंड में बाद क्या हो जाएगी, ब्रेक मारने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ आने 5 सेकंड लगा है, कितना टाइम लगा है, 5 सेकंड लगा, और वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड था, तो ए बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा जी, v - u/t, तो v क्या है जी, 0 - u क्या है, 20 बट्टा t, t क्या है, तो 5 सेकंड है, तो क्या हो जाएगा, -4, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर मैच कर गया जी। तो देखिए लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या बताया था, कि हमने आपको बताया है कि मैंने इसके जब क्वेश्चन पढ़ा रहा था तो आपको मैंने उसमें न्यूमेरिकल भी कराए थे, याद होगा आपको कि मैंने उसमें न्यूमेरिकल भी कराए थे, प्रैक्टिस भी कराए थे, आप उसको ध्यान रखिएगा। और जो भी मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड एसआई यूनिट ही यूज़ करना है तो एसआई यूनिट ही यूज़ कर लीजिए, ठीक है ना, उससे क्या हो जाएगा, आपको सावधानी रहेगी। अब देखिए अब इस सब क्वेश्चन को कराने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, ठीक है ना, तो आप लोग टाइम को थोड़ा बढ़ा के चलिएगा कि जो भी क्वेश्चन होगा उसमें टाइम लगेगा, डिस्कशन करने में टाइम लगता है जी। बोला है एक मोटर कार जिसका द्रव्यमान 1200 kg है, 72 किलोमीटर पर आवर के वेग से चल रही है और ब्रेक लगाकर 90 मिनट में विराम अवस्था में ला दिया जाता है। क्या जी, 72 के स्पीड से है, 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 72 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो गया जी, स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकंड। अब बोल रहा है कि इसको एक ब्रेक लगाकर 80 मिनट में विराम अवस्था में ला दिया जाता है, तो 80 मिनट का मतलब क्या हो जी, 80 मिनट यानी इसको सेकंड में लिखेंगे जी, 80 मिनट को सेकंड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 × 60 यानी सेकंड हो जाएगा, 8×6 = 4800 क्या हो जाएगा, सेकंड, तो 4800 सेकंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे u है। अब बताना क्या है जी, तो मंदन बल बताना है, तो मंदन बल निकालने के लिए क्या चाहिए जी, मास चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन हमको पता नहीं है तो एक्सेलरेशन निकालते हैं, v - u/t, टी किस में लेंगे जी, सेकंड में लेंगे, भी 0 है, -20, टी कितना लगा है जी, 80 मिनट लगा है, तो 80 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 4800 सेकंड हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा जो भी आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/240, यानी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू इतना आ गया। अब बोल रहा है कि मंदन बल चाहिए जी, ये माइनस में है, एफ बराबर क्या होता है, ma, m क्या है जी, तो 1200 kg है, एसआई यूनिट क्या होता है, केजी ही होता है, मास के लिए 1200 और मल्टीप्लाई करना है 240 -के साथ, ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा, न्यूटन आएगा, तो 0 A 5, तो -5 क्या हो जाएगा जी, न्यूटन। ये -1 क्या शो कर रहा है, ये निगेटिव मंदन है, इसकी वजह से क्या कर रहा है, शो कर रहा है, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 न्यूटन आ जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए जी, थोड़ा सा इसमें सब में टाइम लगेगा, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा लॉजिक समझेंगे उसके बाद ही बनाएंगे, हर क्वेश्चन को समझना पड़ेगा जी, लॉजिक क्या है लॉजिक क्या नहीं है, और टाइम लग रहा है, इसमें कोई मेरी गलती नहीं है। 2 कण P और Q एक बिंदु A से 15 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड वेग से एक ही दिशा में गुजरते हैं। क्या बोला है, 2 कण है जो बिंदु A से, ठीक है ना जी, बिंदु A से P और Q, P जो है 15 मीटर पर सेकेंड, क्यू जो है 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक ही दिशा में चलते हैं। त्वरण अलग अलग है, जिनका त्वरण क्या है अलग अलग है। जब पी क्यू के साथ बिंदु बी पे आता है, ये कोई बिंदु बी है, बी पर आता है तो उस समय क्यू का बिंदु पर आता है तो पी का वेग क्या हो जाता है 30 मीटर, पी का क्या हो जाता है तो 30 मीटर पर सेकंड वेग हो जाता है। तो बिंदु बी पर उस समय क्यू का वेग क्या होगा, जबकि पी और क्यू के साथ बिंदु बी पर आता है, अच्छा साथ में आता है, मतलब क्या आ जाए उतना ही टाइम में आता है, एक पक्का है कि इतना ही टाइम में क्या आ जाएगा ये क्यू भी आ जाएगा। चलिए जी, तो हम इसको याद कर लेते हैं जी कि एक्सेलरेशन अलग अलग है लेकिन टाइम क्या लगा है जी सेम लगा है। तो क्यू का क्या बताना है हमको, बताना है जी, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं वी स्क्वायर बराबर क्या है जी, दोनों एक ही पॉइंट से गया है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों का एस सेम होगा और दोनों सेम टाइम पे पहुंचा है जी, बोल रहा है कि एक ही साथ आते हैं तो ठीक है, तो टाइम भी क्या मान लेंगे सेम मान लेंगे। त्वरण अलग है, पी क्यू एक साथ बिंदु ए बी पर आता है जी, तो टाइम भी क्या है सेम है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है जी। एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है लेकिन क्या होगा बाकी सब तो सेम होगा जी, ठीक है ना। तो अब बात कर रहे हैं कि क्यू का वेग क्या होगा जी, यानी यहाँ पे बताना है हमको। तो चलिए इसके लिए हम क्या निकालते हैं, पहले ए वी बराबर क्या है 30 का यूनिट सबका मीटर स्क्वायर है, तो चलो जी 15 का स्क्वायर प्लस 2a, एक्सेलरेशन हमको नहीं पता है ए एस लेकिन सेम है, ए एस क्या है जी। चलिए इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं जी, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला याद कर लेते हैं। v माइनस यू, देखिए इसका वेग का डिफरेंस और इसका वेग का डिफरेंस क्या होगा जी बराबर होगा, इसका वेग का डिफरेंस क्या होगा बराबर होगा। ये कब होगा जब समय और डिस्टेंस यानी समय और दूरी क्या रहे दोनों जब बराबर है, तो इस वाले फॉर्मूले से बना लेंगे, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं, तो अब एसआई यूनिट में तो सभी है, ठीक है, तो वी क्या है जी, ए वी के लिए वेग क्या है जी, आइए इस फिगर को देखिए, पी के लिए वी क्या है 30 यहाँ पे है 15 यहाँ पे, तो 30 माइनस 15 क्या हो जाएगा 15, और इसके लिए क्या हो जाएगा वी मान लेते हैं वी माइनस 20, तो क्या हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा ये 20 इधर आ जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा 35, क्या हो जाएगा x बराबर 35 मीटर पर सेकंड। तो आंसर इसका आ गया। देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हमको क्या करना पड़ता है उसके लिए याद करना पड़ता है, वो ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर मैं इसका लॉन्ग कट बताऊंगा तो आपको क्या करेगा बाउंस करेगा, इसलिए मैं इसको बता भी नहीं रहा हूँ, ठीक है जी। तो आप इसको शॉर्ट जो फॉर्म है उसको याद कर लिए। अगला क्वेश्चन आते हैं जी, अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कार की गति 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर तक बदल रही है, तो त्वरण बताया जी। तो ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, ठीक है जी। तो ए अभी क्या है किलोमीटर आवर पर आवर में, तो उसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे जी, तो 20 किलोमीटर पर आवर है और क्या है 50 किलोमीटर पर आवर है जी। इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना करते हैं, 5/18 से करते हैं जी, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अच्छा जी चलिए, और क्या है टाइम सेकंड में है हमारे पास, तो टाइम दिया है 10 सेकंड। तो चलिए जी, तो v माइनस यू यानी v 50 माइनस 20 5/18 बट्टा टी, टी क्या है 10 सेकंड है जी। चलिए तो आ गया ये 30, तो ये हो जाएगा 3 से 6, तो 5/6 क्या आ जाएगा जी 5/6 आ जाएगा। तो 5/6 का मतलब जो भी हो गया ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट कर रखा है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। यदि बोला है यदि किसी कण पर कार्यरत दो वेगों क्रमशः 5 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड का परिणामी 13 मीटर पर सेकंड का वेग है, तो प्रथम दो वेगों के बीच का कोण बताना है। देखिए जी अब एक क्वेश्चन है जी, आपको वेक्टर कहा गया है, थोड़ा सा इसमें आप लॉजिक लगेगा। देखिए ये बोल रहा है कि 5 मीटर क्या है जी एक वेग है, एक कोई वेग क्या है जी 12 मीटर वेग है, ठीक है जी। उसका फाइनल जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है, फाइनल जो वेग आया क्या है 13 आया है। अब हमको निकालना है, तो देखिए अगर रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर का अगर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, रिजल्टेंट वेक्टर बराबर v1 प्लस होकर v2 है, ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला होता है r स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा। ये थीटा जो है इस दोनों के बीच का क्या है जी एंगल है, क्या जी दोनों के बीच का क्या है एंगल है, इस दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा है। तो वहीं बता रहा है कि इसके बीच का कोण जो है उसको बताना है, यानी हमको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए रिजल्टेंट क्या है 13 169, 5 या 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये क्या है 13 का स्क्वायर था ना, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या दिया है 13 दिया है, तो वो 2v1 5 गुने 12 कॉस थीटा, ये इसको माइनस इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इधर 0 हो जाएगा, तो 10 120 कॉस थीटा बराबर क्या है जी 0 है, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 0, कॉस थीटा 0 कहाँ होता है जहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 90 हो जाए, थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 90 हो जाए, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वेग 1 है और वेग 2 है उसके बीच का एंगल क्या है जी, तो 90 डिग्री है। देखिए क्वेश्चन लॉजिकल है, सारे क्वेश्चन समझिएगा। अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन क्लिक कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। अगर सेट रिमाइंडर मैं वीडियो प्रीमियम करता हूं तो आप उसका सेट रिमाइंडर ऑन कर दें ताकि आपको जब भी वीडियो क्या हो लाइव हो आप उसको देख सकें जी। इससे क्या होती है कि आपको बहुत सारे मोटिवेशन मिलते हैं, मुझे भी मोटिवेशन मिलते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे भी इससे हौसला क्या होता है बुलंद होता है। मेरे 2 चैनल हैं, मैं वैसे को बता दे रहा हूँ, जीनियर स्टडी और ऑनलाइन रेलवे स्टडी। ऑनलाइन रेलवे स्टडी चैनल जो पुराने लेक्चर्स हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और जीनियर स्टडी पे जो नए वीडियोस हैं आपको जो भी अपलोड होंगे आपको नए वीडियो जीनियर स्टडी पे ही अपलोड होंगे। तो आप अगर दोनों को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको दोनों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जी, और सारे जो भी मैं फंक्शन है दोनों के लिए बता रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। बोला एक कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 60 किलोमीटर/आवर की चाल से जाती है तथा पुनः उसी स्थान पर वापस 50 किलोमीटर की चाल से आ जाती है, तो पूरी यात्रा के औसत दौरान बताना। देखिए ये तो मैथ का क्वेश्चन है, अगर आपने बनाया हो तो बोला कि 60 से जाएगा और 50 से आएगा, तो एवरेज अगर निकालने के लिए अपने फार्मूला याद किया होगा तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 ऐसा कुछ फार्मूला याद किया होगा जी मैथ में एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। जब क्या होता है दूरी बराबर होता है इधर से आने में, तो क्या होता है ये फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए 2 60 50 अपॉन 110, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है जी, तो 10 600 बट्टा 11 क्या हो जाएगा 600 बट्टा 11, 600 नहीं जी इसमें कुछ गड़बड़ हो तो क्या, सॉरी v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 क्या हो जाएगा जी, तो ये क्या है ओ सॉरी ये जो 2 है ना वो 300 बाई क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। सॉरी देखिए एक्चुअली ये जो फॉर्मूला बनता है v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 किसके लिए होता है जी एवरेज वेलोसिटी। इसमें क्या करेंगे 2 वेलोसिटी है तो बाई 2 करते हैं तो 2 2 कैंसिल हो जाता है। तो देखिए फॉर्मूला याद रखिए क्या होता है v1 प्लस v2 होता है, तो क्या हो जाएगा 50 60 बट्टा 110 क्या होगा 6 25 30 बट्टा 300 बट्टा 11 यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिए, अगर नई फार्मूला याद है तो चलिए अब देखिए कैसे बनाते हैं जी। तो कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी कितना हो जाएगा जी। देखिए कोई दूरी है s, मान लीजिए s दूरी आया है और s दूरी गया, s दूरी आया तो ठीक है 2s हो जाएगा, 2s दूरी गया जी। अब क्या है पहला कि 60 के स्पीड से गया, s जो गया है कुल दूरी बट्टा समय निकालना है, तो समय क्या हो जाएगा जी 60, ये जो दूरी गया है 60 के स्पीड से गया है, ये दूरी 50 किलोमीटर के स्पीड से आया है, तो ये मान लेते हैं 2s है जी। अब ये टाइम कितना लगा इधर जाने में, तो s बट्टा 60 आवर में है जी, ठीक है ना। ये क्या है इधर से आने में क्या हो जाएगा जी 50 के स्पीड से आएगा, 50 किलोमीटर के स्पीड से आएगा, तो ये दूरी लगेगा s बट्टा 50, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी आ गया जी। चलिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो 2s अपॉन ये क्या हो जाएगा 50 60 का क्या हो जाएगा 300, 5s प्लस 6s, 2s अपॉन 8s ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 300, ठीक है जी। ये s कैंसिल, सॉरी जी देखो यहाँ पे क्या है 5 6 8 नहीं होता है 11 11s है, सॉरी 2s है 11s है, ठीक है जी। तो यहाँ से देख सकते हैं तो आएगा 2s दूरी बट्टा समय, तो 2s बट्टा 5 6 11s ऊपर हो जाएगा 300, s कैंसिल हो जाएगा तो 600 बट्टा 11। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या किया इन्होंने गलत बना रखा है जी। हमने देखिए आंसर लाया है 600/11, तो 600/11 आंसर होगा जी। हमने दोनों मेथड से बनाया है, 600/11 लाया है जी, ठीक है ना। इन्होंने गलत क्वेश्चन बना रखा है, मैं याद करूंगा। टू v1 v2 अपन क्या होता है, v1 + v2 होता है। शॉर्ट फॉर्मूला याद रखना है, तो अगर इस फॉर्मूले से भी आइएगा तो भी क्या आएगा, 600/11 आएगा। इसमें देखिए जी इन्होंने बहुत ज्यादा गलत कर रखा है, मैं क्या बताऊं, पता ना कैसे कैसे इंजीनियर बन जाते हैं लोग, और उसके बाद दावा करते हैं इतने करोड़ों रुपए कमाते भी हैं, नॉलेज तो इनको है नहीं। हाँ, ये प्लेटफॉर्म के टीचर हैं जी, देख लीजिए प्लेटफॉर्म की ये हालत है। जो बताते हैं ना सर, प्लेटफॉर्म का मतलब ही रेलवे होता है, रेलवे देखिए रेलवे है जी इनका, मतलब क्या दिमाग, तभी से लॉजिक मेरा खराब कर रखा है ये, ठीक है जी। याद रखिए, चलिए देखिए याद रखिएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 + v2 ये है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, जब क्या रहे जी डिस्टेंस सेम रहे। या अगर इस फॉर्मूले से बनाते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय, देखिए कुल दूरी इधर s गया इधर s आया तो 2s, इधर जाने में कितना समय लगा जी s/60, इधर आने में कितना समय लगा s/7। ये जो भी आएगा आपको क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी आएगा, किसमें आएगा जी, तो km/h में आएगा। मैं बता दूं, हमने जो दूरी रखा है किलोमीटर में रखा है जी, ये वेलोसिटी हमने किसमें रखा है, km/h में रखा है, तो हमारा km/h में ही आएगा आंसर, ठीक है ना, ये है जी। अगर मान लेते हैं इसने मीटर/सेकंड में भी अगर चेंज किया होगा, तो भी तो इसने यूनिट तक नहीं लिखा है, बताओ कैसे टीचर है लोग। km/h मीटर/सेकंड यूनिट तक नहीं दिया गया इनके द्वारा, बताइए फॉर्मूला भाई, दावा करते हैं लोग। हम लोग रेलवे का मतलब ही प्लेटफॉर्म है, तो मैं तो पूरे प्लेटफॉर्म कोचिंग पे ही दावा करता हूँ, क्या है ये लोग पढ़ा रहे हैं। और क्या यार लड़के कैसे पकड़ेंगे, ये तो बात सोचो। अभी छोड़ो यार, मूड खराब हो गया, आगे का डिस्कशन अब अगले लेक्चर में करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम खा गया। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। देखिए जी कैसे कैसे हैं लोग टीचर, रहने दो आज।